दोस्तों आज मैं आपके लिए 2022 में रिसेंटली रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर हॉरर मूवी लाया हूं, जिसका नाम है थ्री डीमंस। फिल्म के स्टार्ट में हम एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सॉयर को देखते हैं, जो एक साइको क्रिमिनल प्रिजनर जेम्स फिशर की साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए उसके सेल में जाती है। वो उसे केस की डिटेल्स जानना चाहती थी। वो जेम्स से पूछती है कि लास्ट समर क्या हुआ था, और साथ में वादा करती है कि ये लास्ट टाइम होगा। शायद जेम्स बार बार की इन्वेस्टिगेशन से तंग आ चुका था, इसलिए वो डॉक्टर के ऐसा कहने पर बताने के लिए मान जाता है। रूम में काफी अंधेरा था। जेम्स एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था। वो बताना शुरू करता है कि उसे एक डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करने की इंस्ट्रक्शंस मिली थीं, जिस पर डॉक्टर पूछती है क्या तुमने वहाँ कोई अजीब बात नोटिस की थी, मगर जेम्स कुछ नहीं बोलता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तुम्हें बचाने के लिए मैं ही तुम्हारा लास्ट चांस हूँ। ये सुनकर जेम्स बताता है कि वहाँ सब कुछ अजीब था। मेरी साथी ऑफिसर विंटर्स मुझे वहाँ छोड़कर चली गई थी, और मेरे पास कोई व्हीकल भी नहीं था। इतना कहकर जेम्स रुक जाता है, तो डॉक्टर उसे और भी बताने के लिए कहती है, जिसके बाद जेम्स अंधेरे से निकलकर सामने आते हुए अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। और यहाँ हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ये इंसिडेंट हुआ था। जेम्स और उसकी साथी ऑफिसर विंटर्स जंगल में मार्टिया एब्लेमन नाम की एक औरत की डेड बॉडी के पास खड़े थे, जो कि स्टोन्स के सर्कल के अंदर अजीब सी हालत में पड़ी थी। पास में एक हट और उस औरत की गाड़ी भी थी। पुलिस को इस डेड बॉडी के बारे में कुछ हाइकर्स ने बताया था। विंटर्स जेम्स को बताती है कि इस औरत की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो आने वाले हैं, लेकिन उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि उनके आने तक कोई इस बॉडी को टच ना करे, और तब तक इसे प्रोटेक्ट भी करे। जेम्स को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि एक डेड बॉडी को भला प्रोटेक्शन की क्या जरूरत हो सकती है। अचानक से विंटर्स बात करते करते कहीं खो जाती है, जैसे जंगल में उसने कुछ अजीब देख लिया हो। जेम्स उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मगर विंटर्स बोलती है कि नहीं, बस मुझे भी मिसेज एब्लेमन की फैमिली का बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कहना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस चीज से प्रोटेक्ट करना है। फिर वो गाड़ी में से व्हाइट चादर लेकर बॉडी पर डाल देती है। तभी जेम्स को अचानक से सामने रेड पॉपी फ्लावर्स नजर आते हैं, जिन्हें देखकर उसे अपनी बीवी याद आती है, जो अपनी बेटी लूसी के लिए ये फ्लावर्स गार्डन में लगाना चाहती थी, और वो दोनों अब मर चुकी थीं। विंटर्स की आवाज पर वो पास्ट के ख्याल से बाहर आता है, जो उसे कह रही थी वो थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही है, तब तक जेम्स बॉडी का ख्याल रखे। उसके जाने के बाद जेम्स को ऐसा फील होता है जैसे बॉडी हिल रही है, मगर वो अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट के सीन में जेम्स डॉक्टर को बताता है कि उस वक्त मुझे हर चीज में से बैड फीलिंग्स आ रही थीं। वहां पर सब कुछ जैसे जिंदा हो गया हो। किसी ने वो फ्लावर्स भी जानबूझकर वहां लगाए थे, शायद डीमंस ने, क्योंकि वो मेरी बेटी लूसी की लिस्ट में थे। फ्लावर्स इकट्ठे करना मेरी बेटी की हैबिट थी। विंटर्स को वहां से जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके जाने के बाद ही सब कुछ बदल गया। जेम्स डॉक्टर को बताता है कि वहां पर डीमंस थे, जो मेरे साथ कोई पजल खेल रहे थे, और वो चाहते थे कि मैं उस औरत की गाड़ी के अंदर जाऊं, जहां वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। यहां पर हमें जेम्स के पीछे किसी डेविल का साया नजर आता है, जैसे वो अभी भी उनके कंट्रोल में था। डॉक्टर उससे पूछती है क्या वो डीमंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे थे, जिसके बाद हमें दोबारा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां जेम्स बेंच पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर कोई लिक्विड गिरता है, तो जेम्स उसे साफ करने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है। वहां उसे औरत के बैग में से कुछ कार्ड्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मिसेज एब्लेमन डिमोनिक वर्शिपर थी। वहां एक बुक और चार्ट भी था, जिस पर डिमोनिक सिंबल्स बने थे, मतलब मिसेज एब्लेमन जंगल में उस जगह कोई रिचुअल परफॉर्म करने आई थी। अचानक से कोई गाड़ी को जोर से हिलाता है, तो जेम्स चेक करने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। जेम्स को लगता है शायद विंटर है, मगर वो किसी ट्विडलडी नाम के बंदे की कॉल थी, जो उसे अजीब बातें कह रहा था। जेम्स उसे डांटकर कॉल करने से मना करता है कि ये ऑफिशियल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कॉल मत करो। वो आदमी कॉल काटने से पहले बोलता है कि तुम अब ऐसी चीजें देख सकोगे जो पहले तुम नहीं देख सकते थे। उसके बाद जेम्स गाड़ी में से सब बुक्स और चार्ट्स बाहर ले आता है, जिनमें से एक पेपर नीचे भी गिर गया था। वो नोटिस करता है कि मिसेज एब्लेमन एग्जैक्टली चार्ट पर बनी एक पोजीशन में लेटी है, इसलिए वो सर्कल में जाकर उसके हाथ को सीधा करने की कोशिश करता है। तो तभी हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और जेम्स को भी वहां किसी और के होने का एहसास होता है। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर पूछती है क्या बॉडी को टच करने के बाद डीमंस ने तुम्हें कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जिस पर जेम्स बताता है कि अजीब चीजें होने लगी थी। मैं खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, और मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं यहाँ कैसे आया। वो मुझे किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुलाने देना चाहते थे। डॉक्टर पूछती है कि क्या तुमने उनसे बात की थी, तो जेम्स कहता है कि नहीं, मैं उन्हें अपने अंदर और आसपास फील कर पा रहा था। उसकी इस बात से डॉक्टर कंक्लूड करती है कि जेम्स किसी डिमोनिक एंटिटी से पोजेस्ड हो चुका था,
अब फिर से हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां जेम्स बुरी तरह डर गया था। अचानक उसे डेड बॉडी उठती हुई नजर आती है और वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं था। वो बुरी तरह घबरा कर बार बार वॉकी टॉकी पर विंटर्स को वापस आने का मैसेज भेजने लगता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अचानक से वहाँ जेम्स की बेटी लूसी का बॉल उसके पास आता है और फिर सामने लूसी भी दिखाई देती है। जेम्स उसके पीछे भागता है तो उसे अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं। तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। वो उसे बंद करने के लिए वापस जाता है तो देखता है कि डेड बॉडी वहां से गायब है। इधर उधर देखने पर वो उसे जंगल में चलती हुई नजर आती है। जेम्स भागकर पास जाता है तो वो गिर जाती है। जेम्स उसे घसीटते हुए वापस लाने लगता है तो तभी पीछे से लूसी का बॉल आकर उसे लगता है और किसी के हंसने की आवाज भी आती है। हम देखते हैं कि दरख्त के पीछे से कोई डिमोनिक एंटिटी उसे देख रही थी। जेम्स दोबारा डेड बॉडी को घसीटने लगता है, मगर तभी वो एंटिटी अपनी पावर से उसे नीचे गिरा देती है और डेड बॉडी को भी घसीटते हुए ले जाने लगती है। जेम्स उसके पीछे भागते हुए डेड बॉडी को पकड़ लेता है। अब उसे हर तरफ डीमंस नजर आ रहे थे। वो उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, मगर एक डीमन उसे कंट्रोल करते हुए अपने आप को ही शूट करवा देता है। मगर ये सब एक विजन था। जेम्स को वही नजर आ रहा था जो डीमंस उसे दिखाना चाहते थे। प्रेजेंट में डॉक्टर के पूछने पर जेम्स रिवील करता है कि वो हर दिन अपने आप को हर्ट करना चाहता था, क्योंकि वो खुद को लूसी और मैरी की डेथ का जिम्मेदार मानता था। डॉक्टर को लग रहा था कि ये डिमोनिक एंटिटीज वाली बात सिर्फ जेम्स के गिल्ट की मैनिफेस्टेशन थी और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां जेम्स बॉडी को कैबिन में ले आया था। अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे लाश का हाथ हिला हो। वो उसे पकड़कर चेक करता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। जेम्स चेयर पर बैठकर सोचते हुए अपनी पिस्टल से सारी बुलेट्स निकाल लेता है। देन वो मोबाइल में मैरी की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हुए कहीं खो सा जाता है। तभी अचानक उसे खिड़की से बाहर वही बॉडी जाती हुई नजर आती है और वो जल्दी से उसके पीछे भागता है, मगर बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसे वो कार्ड मिलता है जो उन चीजों में से गिर गया था। उस पर एक की लगी हुई थी और लिखा था यू विल नो। अचानक पीछे से कैबिन का दरवाजा बंद हो जाता है। जेम्स उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता। वो देखता है कि कैबिन के अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं। देन वो मिसेज एब्लिमन की गाड़ी में बैठकर कुछ और ढूंढने लगता है। तभी अचानक से विंटर सामने आकर उसे डरा देती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बॉडी कहाँ है। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। जेम्स उसे वो कार्ड और की दिखाता है और कहता है कि उसे गाड़ी से कुछ बुक्स और अजीब से पेपर्स मिले हैं, मगर विंटर्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो बोलती है कि मैं तुम्हें बताने आई थी कि मिसेज एब्लिमन की फैमिली को आने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा, मगर शायद तुम यहाँ अकेले रहने से डर रहे हो। जिस पर जेम्स कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। देन विंटर्स उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हुए मूवी के टिकट्स देती है और उसे फील करवाती है कि शी रियली केयर्स फॉर हिम। वो जाने लगती है तो जेम्स पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, जिस पर विंटर्स कहती है कि उसे मैंने रोड पर ही छोड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आईज और फेस डिमोनिक हो चुका था, मतलब वो विंटर्स नहीं थी। और वो अजीब सी आवाज में बोलते हुए जेम्स को लूसी की बॉल देती है और ये कहते हुए चली जाती है कि अपना रेडियो ऑन रखना। उसके बाद जेम्स को लूसी और मैरी के विजन आने लगते हैं। मैरी उसे जमीन खोदने का कहती है, जिसके बाद अचानक से सीन चेंज हो जाता है। सडनली रात हो चुकी थी और जेम्स जंगल में खड़ा जमीन खोद रहा था और उसके सामने तीन डीमंस थे। देन पीछे से एक डीमन उसके कंधे पर हाथ रख के खोदते रहने का कहता है। प्रेजेंट सीन में डॉक्टर जेम्स से पूछती है कि तुमने उस दिन मैरी और लूसी को जंगल में देखा था, जबकि तुम जानते हो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस पर जेम्स कहता है कि ये सब डीमंस ने किया था, वो जो चाहते हैं आपको दिखाते हैं। तो डॉक्टर पूछती है क्या अभी यहाँ भी डीमंस हैं, जिस पर जेम्स कहता है कि नहीं, लेकिन पहले थे। वो जब चाहते हैं आते हैं और चले जाते हैं, कभी तुम भी उन्हें देख सकोगी। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और जेम्स कैबिन के अंदर ही सो रहा था। अचानक आंख खुलने पर वो देखता है कि डेड बॉडी की आईज ओपन है और उसके ऊपर एक नोट भी लगा था, जिस पर लिखा था कि हम तुम्हें दूसरे किनारे का रास्ता दिखाने आए हैं। तभी जेम्स के नाक से खून आने लगता है और वो देखता है कि मिसेज एब्लिमन की आईज डिमोनिक हो गई हैं और वो सांस भी ले रही थी। जेम्स घबरा कर उठता है तो उसे आसपास बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं जो उसकी तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन ये भी एक विजन था। और जेम्स दोबारा से घबरा कर उठने पर खुद को गाड़ी में पाता है और उसे रेडियो पर ट्विडल डी की आवाज आने लगती है। वो कहता है कि मुझे एक दोस्त समझकर तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, जिस पर जेम्स उसे बताता है कि मैं यहाँ एक बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, हॉन्टेड विजन्स भी आते हैं। वो आगे से उसे तसल्ली देता है। प्रेजेंट में डॉक्टर उससे पूछती है कि उस एरिया में 100 माइल्स तक कोई पार्क रेंजर नहीं था,
वो सब तुम्हारे रेडियो सिग्नल से बहुत दूर थे, फिर तुम किससे बात कर रहे थे। देन मूवी अगेन फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। अब जेम्स उस जगह से गाड़ी ड्राइव करके वापस कैबिन के पास आ जाता है। कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। जेम्स ट्विडल डी से कॉन्टेक्ट करता है, मगर वो बोलता है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता। तो जेम विंटर्स को मैसेज भेजता है। अचानक उसे डेड बॉडी बाहर सर्कल में पड़ी नजर आती है। वो उसे उठाकर वापस कैबिन में ले आता है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है, जहां अभी रात नहीं हुई थी और जेम्स को सामने दो शॉवल्स पड़े नजर आते हैं। वो बहुत कोशिश के बावजूद उस सीन से निकल नहीं पा रहा था। वो घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और विंटर से भी कॉन्टेक्ट की कोशिश करता है। उसे मैरी की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो गुस्से और घबराहट में वहां डिगिंग करने लगता है, मगर तभी दोबारा से वो खुद को कैबिन में बैठा पाता है, जहां विंटर्स उसके पास आती है। जेम्स कहता है कि हमें यहां से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इधर बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले तो विंटर्स कहती है कि अभी कुछ देर और लगेगी, मगर अचानक से उसकी आवाज बदल जाती है और वो कहती है कि हमें इस बॉडी को यहाँ से ले जाना चाहिए। मगर जेम्स उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुमने इसे मुझे प्रोटेक्ट करने का कहा था। उसके बाद विंटर्स जेम्स को अपने साथ डांस करने का कहती है और वो मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेम्स डेड बॉडी के साथ डांस कर रहा है और विंटर साथ बैठी है। सडनली विंटर्स को विंडो से बाहर कोई नजर आता है और वो उसे पकड़ने के लिए बाहर भागती है। जेम्स भी अचानक होश में आकर उसके पीछे जाता है। तभी उसे ट्विडल डी की कॉल आती है, जो बोलता है कि विंटर्स रियल नहीं है, वो तुमसे झूठ बोल रही है, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं है। जेम्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अचानक उसे विंटर्स की चीख सुनाई देती है। वो उस तरफ भागता है, मगर ट्विडल डी उसे जाने से रोक रहा था। वो बोलता है कि ये ट्रैप है, मगर जेम्स उसकी बात सुने बगैर विंटर्स के पास पहुंच जाता है, जो कि बंधी हुई थी और काफी इंजर्ड भी थी। जेम्स उसी कार्ड पर लगी चाबी से लॉक खोलकर उसके हाथों को फ्री करता है, मगर तभी कोई वहां आकर शॉवल से विंटर्स को मार डालता है और जेम्स को भी मारकर बेहोश कर देता है। प्रेजेंट में डॉक्टर के पूछने पर जेम्स बोलता है कि विंटर्स की डेथ के लिए भी मैं ही गिल्टी माना गया, क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। उसके बाद फ्लैशबैक सीन में जेम्स की आंख खुलती है तो वो ग्रेव के अंदर था। सामने उसे डेड बॉडी खड़ी नजर आती है और फिर उसे मैरी की आवाज आने लगती है, जो कह रही थी कि तुमने विंटर से मूवी टिकट्स क्यों लिए, क्या तुम्हें वो अच्छी लगने लगी है, तुमने उसे रिस्पॉन्स क्यों किया, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। जेम्स उसे सॉरी करता है और फिर अचानक से बॉडी पर खून आने लगता है और वो पीछे से आकर जेम्स का गला दबाने लगती है। जेम्स खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करता है और तभी हम उसे कैबिन में देखते हैं, जहां वो अपना ही गला दबा रहा था। मतलब ये सब उसका विजन था। डेड बॉडी उसके सामने ही अपनी जगह पर थी, जिसमें से लूसी की आवाज आने लगती है कि डैडी आपने मुझे डूबने से बचाया क्यों नहीं, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। जेम्स कहता है कि आई नो ये रियल नहीं है, तुम लूसी नहीं हो, और फिर वो लाश के ऊपर से कपड़ा हटाता है, मगर वहां तो विंटर्स थी डिमोनिक रूप में। वो जेम्स का मजाक उड़ाते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है और हर तरफ ब्लड फैल जाता है। जेम्स डरते हुए कैबिन से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। बाहर फ्लैशलाइट में उसे लूसी नजर आती है। जेम्स उसके ट्रैप में ना आकर आगे बढ़ता है तो अचानक पीछे से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहां जेम्स को डीमंस भी दिखाई देते हैं। देन अगेन सीन बदल जाता है। अब जेम्स गाड़ी में था और ट्विडलडी उसे कहता है कि बाहर डीमंस हैं, बाहर मत निकलना। प्रेजेंट सीन में डॉक्टर पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, मगर जेम्स जवाब देने की बजाय उससे पेंसिल मांगता है और कहता है कि मैं इससे तुम्हें मार डालूंगा। देन वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और डॉक्टर से पेंसिल और पेपर लेकर वो कुछ ड्रॉ करता है और बोलता है कि मैं इससे बात कर रहा था, मगर पेपर बिल्कुल खाली था। जेम्स डॉक्टर से कहता है कि इसे देखने के लिए अपनी इमेजिनेशन यूज करो। अगेन फ्लैशबैक सीन में जेम्स गाड़ी से उतरकर नीचे देखने के लिए जाता है तो फिर से गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और बोनेट पर डीमन नजर आता है, जो आगे बढ़कर जेम्स को बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो भागकर कैबिन में चला जाता है। देन दोबारा से सीन बदल जाता है और जेम्स देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो विंटर्स को वापस आने के लिए कॉल करता है। तभी जेम्स को दोबारा से लूसी की आवाज आती है और वो खिड़की से बाहर देखता है कि विंटर्स वहां एक और ऑफिसर के साथ आई है, जो कि वही था, मतलब जेम्स का एक और रूप। और फिर विंटर्स अंदर आकर उस पर गन पॉइंट करते हुए उसे चेयर पर बिठाकर बांध देती है। जेम्स उसे बार बार एमी कह रहा था। विंटर्स बोलती है कि तुम मुझे एमी क्यों कह रहे हो। देन अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है और वो बोलती है कि तुमने उस काम को खत्म किया जो मिसेज एब्लमन ने स्टार्ट किया था, यानी कि वही रिचुअल। और वो पूछती है कि मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था। तो जेम्स कहता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, जिस पर विंटर्स पूछती है क्या तुमने ऐसा किया। तो जेम्स बोलता है हाँ, देखो बॉडी अभी भी यही है।
उसके बाद विंटर्स अजीब अजीब सी बातें करने लगती है और जाकर डेड बॉडी के ऊपर से चादर हटाती है तो वहां पर एक लेडी थी जिसे ऑक्सीजन मास्क लगा था। दोबारा से सीन चेंज हो जाता है तो जेम्स डीमन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, डेड बॉडी को ले जाओ, ये तुम्हारी है। तभी उसे मिसेज एब्लमन की स्पिरिट नजर आती है जो कहती है कि वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, मैं डीमंस के लिए काम करती हूँ और उनकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, अभी मैंने जो काम किया था तुमने उसे खत्म किया और अब डीमंस को तुम चाहिए हो। वो जेम्स को कीप डिगिंग कहते हुए लाश पर से चादर उतार कर वहां से गायब हो जाती है। लेकिन वहां जेम्स को बॉडी की जगह मैरी दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट थी और अचानक से उसके अंदर से कुछ निकलता है और उसकी आईज डिमोनिक हो जाती हैं। जेम्स डरकर कैबिन से बाहर निकलता है और डेड बॉडी उसे अपनी तरफ बढ़ती हुई फील होती है और फिर गिर जाती है। जेम्स शॉवल मार मार कर डेड बॉडी को ब्रूटली खोल देता है। उसके बाद हम उसे दोबारा कैबिन में देखते हैं जहां खिड़की से बाहर बॉडी खड़ी नजर आ रही थी। यहां ट्विडल डी कॉल पर उससे लूसी और मैरी की बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ खाकर अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी। जेम्स उसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी उस बॉडी में से आवाज आती है कि तुम्हें सबका सामना करना होगा। जेम्स कहता है कि मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैंने बॉडी को टच करके शायद रूल तोड़ दिया और तब से ही डीमंस ने मुझ पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तभी उसे आवाज आती है कि मैरी और लूसी यहाँ मेरे पास हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है, लूसी को लगता है कि तुम उसे बचा सकते थे। तभी वहाँ एक डीमन आ जाता है जो जेम्स को ब्रूटली इंजर करने लगता है। उसके जाने के बाद आवाज आती है गुड बाय जेम्स और वो कैबिन से बाहर निकल जाता है जहाँ तीनों डीमंस थे और मिसेज एब्लेमन की स्पिरिट जेम्स को शॉवल पकड़ा कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जेम्स सर्कल में ग्रेव खोदने लगता है। तभी उसे रेडियो पर ट्विडल डी की आवाज आती है जो कहता है कि दोस्त अब हमें अलग होना पड़ेगा। और फिर सामने दरख्त के पीछे से जेम्स को एक आदमी नजर आता है जो कि शायद जेम्स का ही दूसरा रूप था, लेकिन उसकी नेम प्लेट पर ट्विडल डी लिखा था। उसके जाने के बाद जेम्स डेड बॉडी को ग्रेव में लिटाकर खुद भी उसके साथ लेट जाता है। उसे लग रहा था कि वो मैरी के साथ सो रहा है। प्रेजेंट में डॉक्टर जेम्स को थैंक्स कहकर जाने लगती है तो सडनली उसकी पेंसिल गिर जाती है जिसे जेम्स उठा लेता है और उसे डॉक्टर की नेक में डालकर उसे ब्रूटली मार डालता है। मतलब डीमंस ने अभी भी जेम्स को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी भी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, बहुत से पॉइंट्स को प्लॉट में क्लियर किया ही नहीं गया, जैसे कि जेम्स ने मिसेज एब्लेमन का इनकम्प्लीट रिचुअल कैसे पूरा किया। लेकिन आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।